मंगल दीप रहे घर घर में, सुख समृद्धि छाई है। आओ सब मिल पूजा करें, दीपावली आई है। मंगल दीप बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी संग पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तभी अचानक विष्णु जी को कुछ याद आया। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुककर मेरी प्रतीक्षा करना। ये बात कहकर विष्णु जी चले गए। तभी वहाँ पर माता लक्ष्मी को एक गन्ने का खेत दिखा और गन्ने को तोड़कर चूसना प्रारंभ कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर लौट आए। लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते देखकर वे दुखी हो गए और कहने लगे कि आपने बिना खेत के मालिक से पूछे गन्ना तोड़कर कैसे खा लिया। इस गलती के लिए दंड के रूप में उन्होंने कहा कि तुम्हें इस किसान के घर में 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ये बात कहकर विष्णु जी बैकुंठ लौट गए और माता लक्ष्मी किसान के घर पर रहने लगी। लक्ष्मी जी की कृपा से वह किसान थोड़े ही दिनों में बहुत ही धनवान और सुखी रहने लगा। 12 वर्ष बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लिवाने आए तो उस किसान ने माता लक्ष्मी को जाने से रोक दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे वर दिया कि लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी लक्ष्मी जी अदृश्य होकर तुम्हारे घर पर निवास करेगी। अगर तुम अपने घर में दीपक जलाओगे और मेरी पूजा करोगे तो मेरा वास तुम्हारे घर हमेशा रहेगा। तभी से लक्ष्मी पूजा में उनका प्रिय गन्ना रखा जाने लगा।